हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सनत और आज की इस वीडियो में मैं क्लैश रॉयल में जो अपकमिंग अपडेट है उसके बारे में बात करूंगा। और इसके अलावा सुपरसेल ने जो गेम में बैलेंस चेंजेस किए हैं जो 11 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आई होप शायद अपडेट आज ही आने वाला है मंडे को ही, और उसके बारे में बात करूंगा। और आप लोगों को इस साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे सुपरसेल ऑलमोस्ट सारे तरीके के डेक को में किसी तरीके का नर्फ और बफ कर दिया हुआ, और कैसे ये एक तरह से सारे डेप्स को अफेक्ट करने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा जो न्यू अपडेट है जिसमें इलेक्ट्रो वैली है और हंटर और जैपी, ये दो नए कार्ड्स और एक नया रिन आने वाला है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने इससे पहले दो वीडियोज़ बनाई थी जिनमें मैंने एक टीज़र बनाया था अपकमिंग कार्ड्स के बारे में, उसमें से हंटर का प्रोडिक्शन एकदम सही निकला, नाम भी एग्जैक्टली हंटर है। और जो मैंने प्रॉपर्टीज इसके लिए थे कि ये स्प्लैश डैमेज करेगा ग्राउंड और एयर बोथ, ये भी एकदम सही निकला। इसके अलावा मेरा टेस्ला कार्ड वाला कार्ड थोड़ा सा मिस हो गया, तो बट उसके सारे फंक्शंस प्रॉपर्टीज स्टिल वैसे ही हैं जैसे मैंने लिखा था, इट इलेक्ट्रोकुलेट्स, तो ये जैप करेगा ही करेगा। और इसके अलावा एक नया रिन आने वाला है, नया रिन काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि हम लोग इसके सुपर सेल ने जो नया कार्ड का मतलब इमेज लीक किया है जिसमें सारे कुछ है उसमें देखने से लग रहा है, और नया रिन काफ़ी मतलब काफ़ी मज़ेदार है। जिन लोगों ने क्लैश ऑफ क्लैंस खेला होगा उन्होंने देखा होगा कि क्लैश ऑफ क्लैंस में हिडन टेस्ला है, हिडन टेस्ला का आइकन बिल्कुल वैसा, उसका जो टॉप वाला पार्ट है वैसा ही इन्होंने आइकन यूज किया है इस नया एरिना में भी। और ये नया एरिना 3400 ट्रॉफीज़ पर से मतलब अवेलेबल होगा। इसके अलावा सुपरसेल ने लेजेंडरी एरिना में भी कुछ तरह का चेंज किया हुआ है, अब एरिना में 12 तरह के रिवार्ड्स मिलेंगे। और इसके अलावा दो नए कार्ड्स जैसे जैपीज हैं, और जैपीज में क्या है, जैपीज विल स्पॉन्स अ पैक ऑफ मिनिएचर जैप मशीन्स। तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जैपी क्या कोई किसी तरीके से एक बिल्डिंग है जिसमें से जैपीज निकलते रहेंगे, मिनिएचर जैप मशीन्स निकलते रहेंगे लाइक ए फर्नेस या गॉबिन गैंग की तरह, जैसे गॉबिन हट की तरह बिल्डिंग्स वगैरह उसमें से निकलते रहेंगे। अगर निकलेंगे तो किसके पास इसका स्विच किसके पास होगा, क्या एक नया कार्ड आने वाला है जिसमें वो समन करेगा, या एक नया बिल्डिंग आने वाला जिससे ये मशीन्स निकलते रहेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि सुपर से ले हिंट दिया है कि ओनली द मास्टर बिल्डर नो, मतलब मास्टर बिल्डर जरूर कुछ ऐसा कुछ बना रहा है। इसके अलावा हंटर के बारे में दिया हुआ है, ही डील्स बिग डैमेज अप क्लोज नॉट सो मच एट रेंज। तो मैंने भी जैसे अपने वीडियो में बताया था कि इसका रेंज ज़्यादा नहीं रहेगा, 3 से 4 टाइल्स के आसपास इसका रेंज होगा, और ये एक साथ मल्टीपल टारगेट को हिट करेगा। सुपर सेल ने शॉर्ट गन का एमओ को का, मतलब वीडियो इमेज रिलीज किया था जिससे ये पता चल गया था कि इसे शॉर्ट गन चाहिए होगा और इसे मे बी रिलोड का टाइम लगेगा। जैसे हम लोग रॉयल जायंट में देखते हैं, रॉयल जायंट के पास भी कैनन बॉस रहता है और इसे एक शॉट से दूसरे शॉट फायर करने में कुछ टाइम का गैप है, तो उसी तरीके से इस हंटर को भी मतलब नेक्स्ट फायर करने में कुछ टाइम लगेगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ था इस अपडेट के बारे में कि अनलॉक देम बोथ टुडे। तो अब ये इस बात अनलॉक देम बोथ टुडे मतलब क्या वो आज से ही मतलब 11 तारीख को ही अवेलेबल हो जाएंगे, और क्या हम लोग इनसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या ये कोई इवेंट होगा जिसे अनलॉक करना पड़ेगा, तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना होगा कि ये चीज़ कैसे होता है। इसके अलावा सुपर सेल ने चेस्ट में काफ़ी तरह के चेंजेस किए हैं, अब 3 तरीके के चेस्ट हम लोग को नए देखने को मिलेंगे, लाइटिंग चेस्ट, फॉर्चून चेस्ट, किंग्स चेस्ट। लाइटिंग चेस्ट में क्या है, रिप्लेस कार्ड स्टैक्स ऑफ योर चॉइस विथ अप टू 5 स्ट्राइक्स। अब ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि हम अपने कार्ड स्टैक को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं विद 5 स्ट्राइक, मतलब क्या हुआ, मतलब 5 कार्ड मतलब कहाँ के रिप्लेस कर सकते हैं, ड्यूरिंग द बैटल या आपके पास कार्ड जो पहले से अवेलेबल है उसमें से आप चेंज कर सकते हैं, तो ये पॉइंट कुछ क्लियर है नहीं, पता भी नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली से क्या होगा। इसके अलावा फॉर्चून चेस्ट है, फॉर्चून चेस्ट से आपको अपने चेस्ट साइकिल के बारे में आइडिया मिल जाएगा कि आपका अगला चेस्ट क्या है, क्या रोटेशन में है, तो ये भी थोड़ा सही है क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता था कि हम लोग का अगला चेस्ट क्या होने वाला है और ये रैंडमली होता था, तो अब ये चीज़ें हमें पता रहेंगी। इसके अलावा किंग चेस्ट या लेजेंडरी चेस्ट आने वाला है जिसमें फोकस रहेगा इपिक चेस्ट और लेजेंडरी चेस्ट पे ही, और ऐसा र्यूमर है कि अब शायद लेजेंडरी चेस्ट में आपको एक से ज़्यादा लेजेंडरी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा क्वेस्ट और शॉप में अब आपको नए नए चेस्ट मिलेंगे, चेस्ट का इन्होंने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया हुआ है। और इसके अलावा और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब नए इवेंट्स, 4 नए तरह के इवेंट्स आने वाले हैं, गोल्ड रश, जेम रश, स्पेशल चैलेंजेस एंड बूस्ट, जिसमें से हम लोगों ने गोल्ड रश तो खेला हुआ है, इसके अलावा जेम रश, स्पेशल चैलेंज और बूस्ट इनमें क्या होगा ये बिल्कुल भी बताना नामुमकिन है,
हालांकि जिन्होंने क्लैश ऑफ क्लैंस क्लैश रॉयल के प्राइवेट सर्वर का यूज़ किया होगा उन्हें आइडिया होगा जेम रस के बारे में, क्योंकि प्राइवेट सर्वर्स में ऑलमोस्ट जेम्स के बारे में ही हमें जेम्स मिलते हैं क्राउन टावर तोड़ने पे। और कितने जेम्स मिलेंगे, कैसे होगा क्राउन टावर को तोड़ने में कितने जेम्स रहेंगे, और क्या आप इन्हें कितने मतलब कितने टाइम्स लगातार खेल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें अपडेट के बाद ही पता चलने वाला है। इसके अलावा सुपरसेल ने कुछ एग्जिस्टिंग गेम में भी इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे डेली क्वेस्ट डेली गिफ्ट क्वेस्ट हमेशा अब एक्टिव रहेगा, एपिक और लेजेंडरी कार्ड्स अब शॉप में मतलब मोर फ्रिक्वेंटली अपीयर होंगे अगर आप 4000 प्लस ट्रॉफीज पे हैं, जिसका मतलब चैलेंजर वन में से लेके जो भी हायर लेवल्स हैं उनमें अब कार्ड की फ्रिक्वेंसी जैसे एपिक और लेजेंडरी कार्ड्स अब ये मोर फ्रिक्वेंटली आने वाले हैं। इसके अलावा अर्जुन कार्ड्स आपके मैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी इन्होंने घटा दी हुई है। और इसके अलावा काफ़ी बैलेंस चेंजेस सुपर सेल ने गेम में किया हुआ है। जिन लोगों को बैलेंस चेंजेस के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, सुपर सेल ने ऑलमोस्ट ऐसा चेंज किया है जिससे सारे तरीके के डेक मतलब अफेक्ट हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉग राइडर को इन्होंने नर्फ कर दिया, नाइट को नर्फ कर दिया, प्रिंस को बफ कर दिया, सारे डायरेक्ट डैमेज स्पेल्स को इन्होंने नर्फ कर दिया है। जितने में डायरेक्ट डैमेज स्पेल थे वो अब क्राउन टावर पे -5% कम डैमेज करेंगे, हालांकि जो ट्रूस पर डैमेज थे उन्होंने उसको रिड्यूस नहीं किया हुआ है। मतलब अगर आप एक लेवल 9 फायरबॉल अगर लेवल 8 विजार्ड को ख़त्म कर सकता है तो अभी भी ख़त्म करेगा, लेकिन वो क्राउन टावर पे कम डैमेज करेगा। इसके अलावा आइस गोलम का जो डेथ डैमेज स्लो इफेक्ट था उसे इन्होंने 2 सेकंड से घटा के 1 सेकंड कर दिया था, और स्केलेटन बैरल अब डेथ डैमेज हो गया जैसे गोलम के मतलब डेथ डैमेज होता है उसी तरीके से, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं पता कि ये कितना डैमेज होगा और मतलब इसमें क्या किस तरह का मतलब चेंज होगा ये भी कर पाना मुश्किल ही है। इसके अलावा जाइंट स्केलेटन के हिट पॉइंट पर 5% का इंक्रीज किया गया हुआ है। गार्ड सबसे ज़्यादा इन्होंने जो फोकस किया है वो है गार्ड्स पे, गार्ड्स अब सबसे बेस्ट पॉजिटिव इलेक्सर ट्रेड होगा फॉर ए 3 इलेक्सर कार्ड, क्योंकि अब गार्ड में इन्होंने काफ़ी तरह का चेंज किया, जैसे उसके डैमेज में 5% का इंक्रीज हो गया, उनके हिट पॉइंट को भी 5% इससे इंक्रीज कर दिया गया और हिट स्पीड को भी तेज कर दिया गया 1.1 सेकेंड जो पहले 1.2 सेकेंड था। और इसके अलावा जो भी इन्फर्नो और इन्फर्नो टावर और इन्फर्नो ड्रैगन था वो इन सील्ड्स वाले कार्ड को इन्होंने डायरेक्ट मतलब डैमेज कर देता था, मतलब कि अगर वो उसके सील पर डैमेज कर रहे हैं तो कार्ड्स का भी हेल्थ कम होता था, इससे क्या होता था कि इन्फर्नो एक ही बार में पूरे गार्ड को ख़त्म कर देता था। अब इन्होंने इस सिस्टम में चेंज कर दिया, अब पहले उनका सील डैमेज होगा उसके बाद वापस से वो कार्ड इन्फर्नो टावर और ड्रैगन रीटारगेट करेंगे इन कार्ड्स पे, तब जाके ये ख़त्म होंगे। तो ये चीज़ पॉइंट है, वैलिड था, ऐसा ही होना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि अब सील्ड वाले कार्ड में एक मेजर बफ हुआ स्पेशली गार्ड्स पे। इसके अलावा गॉबलिन्स के हेल्थ में डैमेज में इन्होंने 6% का रिडक्शन कर दिया है, और गॉबलिन्स मतलब गॉबलिन्स गॉबलिन गैंग गॉबलिन बैरल सबके डैमेज में 6% का रिडक्शन कर दिया है। और रॉकेट ऑलरेडी पहले मैंने बताया कि नर्फ हो गया, नाइट को भी नर्फ कर दिया, और इलेक्सर कलेक्टर के हिट पॉइंट में 13% का रिडक्शन है। तो अब बात करते हैं कैसे है आपके डेक को प्रभावित करेगा। तो अगर आप मेरी तरह बीट डाउन प्लेयर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लाइटनिंग पिछले ही मंथ इन्होंने नर्फ कर दिया था, उसका रेडियस को घटा दिया, अब उसके डैमेज को भी घटा दिया। तो अब ये चीज़ें मतलब अब हम लोग को अपने इसमें या तो फिर रॉकेट से रिप्लेस करना पड़ेगा, और इससे समझ सकते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा गेम इसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अफेक्ट होगा। इसके अलावा जो भी लॉक बेट डेक थे जिसमें गॉबलिन बैरल थे, नाइट्स थे, तो अब नाइट भी बफ नर्फ हो गया, रॉकेट भी नर्फ हो गया, गॉबलिन बैरल भी नर्फ हो गया, तो आप समझ सकते हैं लॉग बेट डेक इसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया। अब अगला सुनिए हॉग के इन्होंने हीट स्पीड में इन्होंने रिडक्शन कर दिया हुआ है, मतलब बढ़ा दिया हुआ है, पहले 1.5 सेकंड था अब इसे 1.6 सेकंड कर दिया, और पहला अटैक 0.1 सेकंड को स्लोअर कर दिया गया हुआ है। तो मे बी अब अगर बॉलर अब मैं वापस से मेटा में आने वाले अगेंस्ट हॉग ये काफ़ी अच्छा काउंटर रहेगा, और इसके साथ आप काउंटर पुश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और जो भी डेक्स हो गए, जो 3 मस्केटर पंप डेक हो गया या पेका 3 मस्केटर डेक जिसमें पंप का एक काफ़ी मेजर रोल था, अब 13% का हेल्थ रिडक्शन से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि मेटा में किस तरह का चेंज होता है, कैसे डेक अब वापस से आने वाले हैं, लेकिन ये है कि अब आपको प्रिंस डार्क प्रिंस देखने को ज़्यादा मिल सकता है गार्ड के साथ, तो बेटर यही रहेगा कि आप मेटा के हिसाब से अपने डेक में चेंजेस कर ले, तो इससे आपको लैडर में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो ये था सारा अपडेट का समरी, और आई होप आप इस अपडेट को एंजॉय कीजिएगा, और
अब तो ये इंटरेस्टिंग, वेट करना होगा कि सुपर सेल कब सारे मतलब न्यू कार्ड्स को इम्प्लीमेंट करता है गेम में। और आई होप आप इस अपडेट को एंजॉय कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको अपने थॉट्स क्या हैं, आपको क्या लगता है कि आप ये अपडेट आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। और एक और बात फ्रेंड, अगर आपको मेरे किसी वीडियो पे कोई कंप्लेन है, कोई फीडबैक है या किसी तरह का सजेशन देना है तो आप इसे कमेंट करें ताकि मैं अपने वीडियोज़ की क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकूँ। और कोई भी सजेशन है मुझे से कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए, मैं इम्प्लीमेंट जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।